आप सुन रहे हैं दिन भर की अहम खबरें गंगा प्रसाद के साथ। पाकिस्तान की सियासत में बवाल मचाने वाले पनामा गेट स्कैंडल की जांच रिपोर्ट आने के एक दिन पहले नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने अपोजिशन को चैलेंज दिया है। पनामा गेट मामले की जांच कर रही ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट सोमवार को आनी है। अपोजिशन नवाज शरीफ का इस्तीफा मांग रहा है। G20 ने भारत की तरफ से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप फंडिंग और लेबर रिफॉर्म जैसे कदम उठाए जाने की तारीफ की है। G20 ग्रुप ने कहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर में भारत की तरफ से एक्सचेंज और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का तरीका अपनाया जा रहा है। इससे इकोनॉमी में लचीलापन बनाए रखने में मदद मिल रही है। अहमदाबाद अब वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बन गई है। यूनेस्को से ये दर्जा पाने वाला ये देश का पहला शहर है। इस पर मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि ये देश के लिए खुशी का मौका है। यूनेस्को की 41वें सेशन के पोलैंड के क्राको शहर में हुई मीटिंग में ये ऐलान किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम में बाढ़ से राहत और बचाव कार्यों के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि असम में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। लाखों लोग शिविरों में दिन काटने को मजबूर हैं। बिहार में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को पटना में सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक दिन बाद अपने विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे। नागालैंड में पूर्व मुख्यमंत्री TR जेलियांगे की नई सरकार के गठन के दावे से राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। अभी तक 4 मंत्रियों को हटाया जा चुका है। अरुण जेटली ने कहा कि कुछ लोगों ने सलाह दी थी कि सभी चीजों पर एक समान रेट से GST तय किया जाना चाहिए। ये सुझाव ऐसे लोगों की ओर से आया जिन्हें आर्थिक असमानता कभी समझ में नहीं आई। अगर ऐसा होता तो गरीब के खाने और BMW कार दोनों पर एक टैक्स लगता। इंडियन आर्मी ने सिक्किम के डोकलाम इलाके में लंबे वक्त तक रुकने का फैसला किया है। आर्मी जवानों ने अपने तंबू गाड़ दिए हैं। इससे साबित होता है कि भारत ने चीन की वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जवाबी फायरिंग में 2 पाकिस्तानी जवानों की मौत हो गई। पुंछ इलाके में LOC पर सीज फायर वायलेशन होने पर भारत की सेनाओं ने भी जवाब दिया। इसमें 5 सिविलियंस के मारे जाने की रिपोर्ट्स है। इस गोलीबारी में 5 पाक जवान घायल भी हुए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी को कश्मीर की आज़ादी का हीरो बताए जाने पर भारत ने पाकिस्तान को कड़ा मैसेज दिया है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने रविवार को ट्वीट किया, इस्लामाबाद के टेरर सपोर्ट और स्पॉन्सरशिप की सबको निंदा करनी चाहिए। अर्चना यादव ने एशियाई एथलेटिक्स में 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। भारत 11 स्वर्ण समेत 27 पदकों के साथ पदक तालिका में सबसे ऊपर है।